हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता। तो आज के हम इस असाइनमेंट में ऑथेंटिकेशन परपोज परफॉर्म करेंगे विद द यूजिंग ऑफ जावा जेसन वेब टोकन JWT। इसमें हमें इस असाइनमेंट में हमें गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट API का यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा स्कीमा मीन्स स्कीमा डिफाइन करना है। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट लुक लाइक दिस। तो हमें इस पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डिफाइन करने हैं जैसे हमारे इस असाइनमेंट में दिया हुआ है। फिर हमें यहाँ पे पोस्ट API परफॉर्म करनी है टू स्टोर द डेटा यूजर डिटेल। फिर पोस्ट API फॉर लॉगिन। लॉगिन अगर ईमेल और पासवर्ड करेक्ट रहेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, मींस ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा। मींस टोकन जनरेट करेंगे। अगर ईमेल लॉगिन में ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो उसका एक टोकन जनरेट हो जाएगा। टोकन इस रीज में दिखेगा, फिर हमारा टोकन जनरेट हो जाएगा। देन हमारे जो टोकन है उसको हम मिडलवेयर में परफॉर्म करेंगे ताकि उस टोकन को हम लोग बार 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 एक्सेस कर सकें। टोकन ओनली वन टाइम जनरेट होगा लेकिन हम उसको बार बार एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर। तो हमें गेट पुट और डिलीट API का इसमें यूज करेंगे। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में। तो हम VS कोड एडिटर पे अपने आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस जेसन वेब टोकन मंगूस के में रिक्वायरमेंट होगी तो हम डिपेंडेंसी में इंस्टॉल कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल की नीड होगी। इंडेक्स डॉट जेएस ये हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट पहले एक्सप्रेस को एक्वायर करेंगे। एक्सप्रेस रिक्वायर एन एक्सप्रेस, फिर यहाँ पे हम मोंगूस को रिक्वायर करेंगे। कॉन्स्ट डिफॉल्ट देंगे, डिफॉल्ट मोंगूस, फिर रिक्वायर रिक्वायर मोंगूस को रिक्वायर कर लेंगे। मोंगूस हमारा रिक्वायर होने के बाद हम एक जो एक्सप्रेस है उसको एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट एप इस वेरिएबल के थ्रू हम एक्सप्रेस के फंक्शन को इजिली कॉल कर पाएंगे। फिर हमें अपने डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करना रहेगा। तो मोंगूस डॉट कनेक्ट, देन हमारा जो स्ट्रिंग होगा यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे। देन यूज न्यू यू आर एल पार्सर की को ट्रू कर देंगे ताकि कोई एरर ना आए। यहाँ पे हम स्ट्रिंग डालेंगे जो कि हमने जो क्लाउड क्लस्टर का स्ट्रिंग होता है यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग डालेंगे। देन अगर सब सही होगा तो हमें यहाँ पे देन एरो की एरो फैट एरो फंक्शन का यूज करेंगे। देन यहाँ पे हम कंसोल कर लेंगे, कंसोल करेंगे कि मोंगो डीबी इज कनेक्टेड, मोंगो डीबी इज कनेक्टेड, मोंगो डीबी इज कनेक्टेड, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, चलिए ये नहीं आएगा, मोंगो डीबी इज कनेक्टेड, ये यहाँ पे एक और आएगा जिसको हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में डालना पड़ेगा। ये हो गया। दिन अगर कोई एरर आता है तो उसको हम लोग कैच कर लेंगे। कैच करके हम एरर को थ्रो करेंगे, सॉरी एरर को हम लोग थ्रो करेंगे, लॉग कर लेंगे पहले एरर को, लॉग एरर। डन। बार बार ये क्यों गलत हो रहा है एरर। फिर हमें कोई पोर्ट भी चाहिए रहेगी लिशन करने के लिए तो हम पोर्ट बनाएंगे ऐप डॉट लिशन। फिर हमें प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ये अगर इस पे नहीं मिलेगा तो 3000 पोर्ट पे रन करेगा। फिर एक हम फंक्शन बनाएंगे कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे हम कंसोल कराएंगे कि कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, फिर यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट,
को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, डन। फिर अब तो हमने अपने क्लस्टर के स्क्रीन को सक्सेसफुली यहाँ पे पेश कर दिया है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस को रन कराते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000 MongoDB इज कनेक्टेड, ये हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे यूजर मॉडल क्रिएट करेंगे। पहले हम सबसे पहले हमें यूजर मॉडल नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर, यूजर मॉडल नाम के फोल्डर सॉरी यहाँ पे हमने मॉडल नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। मॉडल्स के अंदर हमें एक यूजर मॉडल डॉट जेएस नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है। इसमें हम स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो हम चलिए स्कीमा डिफाइन करने के लिए हमें मोंगूस की रिक्वायरमेंट होगी। तो कॉन्स्ट मोंगूस रिक्वायर रिक्वायर मोंगूस मोंगूस को रिक्वायर करने के बाद हमें सिंपली एक कॉन्स्ट वेरिएबल में कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, यूजर का स्कीमा डिफाइन करेंगे। यूजर स्कीमा इसके लिए न्यू देन मोंगूस डॉट स्कीमा, मोंगूस डॉट स्कीमा, फिर यहाँ पे हम स्कीमा डिफाइन करेंगे वन बाय वन। हमें फर्स्ट नेम चाहिए जो कि स्ट्रिंग होना चाहिए, सॉरी स्ट्रिंग होना चाहिए। हमें लास्ट नेम चाहिए जो कि स्ट्रिंग होना चाहिए। फिर हमें मोबाइल नंबर चाहिए जो कि मैंडेटरी मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए उसका। टाइप टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग एंड रिक्वायर रिक्वायर इज इक्वल टू ट्रू। एंड देन हमें ईमेल चाहिए, ईमेल स्ट्रिंग ओ सॉरी ईमेल को स्ट्रिंग सॉरी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी स्ट्रिंग। देन हमें पासवर्ड, पासवर्ड को भी स्ट्रिंग, पासवर्ड भी हमारा स्ट्रिंग हो गया। फिर हमें जेंडर डिफाइन करना है, जेंडर टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड इनम मीन्स हमें स्पेसिफाई करना है कि इस इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मेल फीमेल, अगर इसके अलावा कोई कोई वैल्यू और कोई पुट करता है तो हमें एरर थ्रो करेगा। देन देन सॉरी देन देन हमें यहाँ पे इस डिलीटेड का ऑप्शन देना है जिसकी टाइप बूलियन होना चाहिए। इस डिलीटेड का जो टाइप होगा वो बूलियन होगा, बूलियन टाइप बूलियन होगा। देन इसमें हमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो इसके लिए हमें डिफॉल्ट इसको एक फॉल्स देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स देंगे इसकी हम लोग। देन एज जो होगी हमें वो नंबर में दी जाएगी, नंबर होना चाहिए। तो हम लोग स्कीमा को डिफाइन कर लिए हैं। यहाँ पे सिंपली हमें एक टाइम स्टैम्प देना पड़ेगा। टाइम स्टैम्प क्या होना चाहिए जो ट्रू, सॉरी टाइम स्टैम्प ट्रू। ये हमारा क्रिएट हो चुका है स्कीमा। अब हम लोग सिंपली इस स्कीमा को एक्सपोर्ट करेंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स सॉरी मॉड्यूल का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। फिर एक्सपोर्ट में हम लोग मोंगूज डॉट मॉडल, मोंगूज डॉट मॉडल, फिर यहाँ पे हम जो डिफाइन करेंगे ये कलेक्शन का नाम होगा, ये हमारा कलेक्शन का नाम यूजर। फिर यहाँ पे हमें जो स्कीमा हमने डिफाइन किया है यूजर स्कीमा, ये हमारा सक्सेसफुली स्कीमा क्रिएट हो चुका है। तो हम मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। अब एक फोल्डर क्रिएट करते हैं मिडलवेयर का, मिडलवेयर इनसाइड दिस मिडलवेयर हमें ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना है। तो इसके अंदर हमें ऑथ डॉट जेएस का यूज, जेएस फाइल का यूज करेंगे। इसमें हमें पहले JWT का नीड होगी। तो कॉन्स्ट JWT, JWT इज नथिंग बट जेसन वेब टोकन, जिसे हम टोकन क्रिएट करेंगे, रिक्वायर करेंगे हम पहले जेसन वेब टोकन को, जेसन वेब टोकन को हम लोग रिक्वायर कर लिए हैं। देन यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है वैलिडेट टोकन का, वैलिडेट टोकन का वेरिएबल हमें क्रिएट कर लिए हैं।
यहाँ पे हमें फंक्शन फंक्शन में हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट को कॉल करेगा। यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है, इसमें हम पहले टोकन हेडर के थ्रू रिक्वायर करेंगे। तो हम लोग ये लेट टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर, हेडर्स, मेक श्योर हेडर्स है एस। फिर यहाँ पे हम एक्स ऑथ टोकन देंगे, एक्स ऑथ टोकन देंगे। इसमें इसकी जो टोकन की हेडर्स में से जो वैल्यू आएगा जो टोकन में स्टोर हो जाएगा। अब हम इसकी वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। वैलिडेशन के लिए हमें इफ टोकन इज नॉट, टोकन अगर खाली है, टोकन इज नहीं है, तो हमें सिंपली रिटर्न करें रिस्पॉन्स डॉट सेंड करें। यहाँ पे हमें स्टेटस जो होगा इसका स्टेटस फॉल्स, एंड फिर जो हमारी जो हमें प्रिंट कराना रहेगा, जैसे मैसेज को ही प्रिंट कराना है तो मैसेज लिख देंगे MSG, यहाँ पे लिख देंगे जैसे टोकन इज इनवैलिड, टोकन इज रिक्वायर्ड, टोकन रिक्वायर्ड रहेगा तो लिख देंगे, हमें ये वैलिडेशन परफॉर्म हो जाएगा हमारा। अगर टोकन नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे लेट टोकन, फिर हम लोग टोकन अगर हमें मिल गया उसको डिकोड भी तो करना पड़ेगा, तो हम इसलिए लेट डिकोड, डिकोडेड टोकन में हमें वेरीफाई करवाना, जब हम लोग को डिकोड करना है तो मीन वेरीफाई कराना पड़ेगा कि यूजर वो है कि नहीं है, यूजर डॉट वेरीफाई, फिर ये टोकन देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ फिर हमें जो वैल्यू रहेगी सीक्रेट की हमारा उसकी उसको फिल करेंगे, लिथियम डॉट रूपम, ये हमारा ये मेरा सीक्रेट की है तो इसको मैंने स्टोर करा लिया है। अगर ये हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसी को बार बार लिखने से, यहाँ पे अगर ये नहीं है तो यहाँ पे स्टेटस फॉल्स हो जाएगा, टोकन इज इनवैलिड लिख के आ जाएगा यहाँ पे, वैलिड ठीक है फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले डिकोड किया है इसको, हम लोग चाहे तो एक फंक्शन में डाल सकते हैं, इसको एक फंक्शन में भी डाल सकते हो आप। रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्ड डॉट सेंड कर देंगे, स्टेटस इसका फॉल्स दे देंगे एंड मैसेज में लिख देंगे टोकन इज इनवैलिड, और नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, वो नेक्स्ट को कॉल कर देगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमें इसको जो हमने किया है इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा, तो इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल मॉड्यूल सॉरी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, फिर हम डॉट इसका फंक्शन क्या है वैलिड डॉट टोकन, फिर वैलिडेट टोकन, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब हमको एक राउट फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम राउट फोल्डर क्रिएट करते हैं, राउट्स, यहाँ पे हम राउट्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे राउट डॉट जे एस, राउट डॉट जे एस फाइल में ये हमारा राउट राउट को हैंडल करेगा। तो इसके लिए हमें ऐप डॉट यूज में इंडेक्स फाइल में हमें ऐप सॉरी यहाँ पे हम ऐप डॉट यूज, ये ग्लोबली तौर पे है, फिर हमें राउट राउट को कॉल करेगा। फिर यहाँ पे हमें राउट डॉट जे एस में हम ऑल राउट के कोड लिखेंगे, तो एक पहले हम कॉन्स्ट एक्सप्रेस की नीड होगी हमें, एक्सप्रेस रिक्वायर रिक्वायर एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे, हम एक्सप्रेस को रिक्वायर किए, देन एक्सप्रेस में से हम राउटर को कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर के फंक्शन को ऐप के वेरी राउटर के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देन हम एक कॉन्स्ट वैलिडेट टो सॉरी फिर हम यहाँ पे हमारी जो राउटिंग है उसको परफॉर्म करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट को हम यहाँ पे पहले एक एपीआई कॉल करेंगे यूजर्स, फिर देन हमारा जो हैंडलर होगा उसको कॉल करेंगे। एक्चुअली मैंने अभी हैंडलर बनाया नहीं है तो इसको रहने देते हैं, अभी हम पहले हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूजर सॉरी यूजर कंट्रोलर डॉट यूजर कंट्रोलर नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इनसाइड दिस हम एक फाइल क्रिएट करते हैं यूजर
controller.js नाम की फाइल क्रिएट की है, इन यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस की फाइल क्रिएट करी है। अब हम इसमें मेन लॉजिक परफॉर्म करेंगे। इस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें JWT की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम पहले JWT को रिक्वायर करेंगे। कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे जेसन वेब टोकन को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर कर लिए हैं। अब हमने हमें मॉडल को रिक्वायर करना है, जो हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है यूजर मॉडल, उसको हम लोग रिक्वायर करेंगे। यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर करेंगे हम लोग यूजर मॉडल डबल डॉट स्लैश मॉडल, हमने किसमें लिखा है मॉडल्स स्लैश यूजर मॉडल। यूजर मॉडल हमारा सक्सेसफुली रिक्वायर हो गया है। तो हम एक कॉन्स्ट क्रिएट यूजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट यूजर, जो इस हैंडलर को कॉल करेंगे ताकि डेटा को स्टोर कर सके वो डेटाबेस के अंदर। तो ये असिंक होता है, असिंक। देन फंक्शन, एक्चुअली फैटर फंक्शन का यूज कर लेते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स देन एरो, सॉरी यहाँ फैटर फंक्शन का यूज किए हैं। हमें डेटा को, डेटा जो हमारे बॉडी में से आएगा, डेटा जो बॉडी में से हम लोग सेंड करेंगे यूजिंग पोस्टमैन, उसको हम डेटा वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। देन हमें वो डेटा को क्रिएट करना है एक वेरिएबल में, लेट सेव डेटा इक्वल टू, ये हमारा अवेट असिंक फंक्शन है ना, तो हमें अवेट करना पड़ेगा। यूजर यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, देन जो हमारा वेरिएबल हुआ डेटा, देन हम ये हमारा एक्वायरी क्रिएट हो जाएगा। फिर रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, सेंड करेंगे हम, इसमें मैसेज को प्रिंट कराएंगे MSG, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे सेव डेटा जो हमारा वेरिएबल है। तो ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। फिर हम लॉगिन यूजर की का हैंडल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट लॉगिन यूजर में हम लॉगिन यूजर, ये भी असिंक होता है, असिंक। देन हमें रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स देन फेडोरा फंक्शन का यूज करेंगे। फिर हमें यहाँ पे लॉगिन के क्रेडेंशियल को सेव करने हैं, तो लेट लेट इसमें यूजर नेम जो होगा हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ईमेल आईडी के थ्रू मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू मिलेगा। फिर यहाँ पे हम लेट पासवर्ड को हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, सॉरी बॉडी डॉट पासवर्ड करेंगे। फिर हमें फाइंड करना है कि ये पासवर्ड वैलिड है कि इनवैलिड है, तो इसके लिए हम लेट यूजर, सॉरी यूजर अवे, यूज ये अवेट होता है, इसके लिए हम अवेट करेंगे। यूजर यूजर मॉडल, यूजर मॉडल डॉट फाइंड, फाइंड वन करेंगे। ओके यहाँ पे हम फाइंड वन की क्वेरी परफॉर्म करेंगे। इफ ईमेल, जो ईमेल आईडी है उसको हम यूजर नेम, जो हमने यूजर नेम है जो हमने किया है उसमें स्टोर कराएंगे। देन जो पासवर्ड है, अगर वो मैच कर रहा है, फाइंड कर रहा है, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। ओके देन अगर 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 ये पासवर्ड इनकरेक्ट होता है, जैसे अगर कोई वैल्यू ही नहीं डाले तो यूजर में, तो यूजर में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिंपली रिटर्न कर देगा कि भैया वैल्यू इसमें डालो, कि वैल्यू है नहीं, इनकरेक्ट है पासवर्ड। यहाँ पे हम स्टेटस डाल देंगे, स्टेटस स्टेटस को फॉल्स कर देंगे, स्टेटस को फॉल्स कर देंगे। और अगर मैसेज लिखना चाहें तो मैसेज भी लिख सकते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड आर नॉट करेक्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड आर नॉट करेक्ट, यूजर नेम पासवर्ड आर नॉट करेक्ट। देन हमें एक टोकन जो होगा, टोकन यहाँ पे हमें लेट जो टोकन हम लोग एक्वायर किए रहेंगे, टोकन देन इसको हम लोग JW.sign, साइन में क्या होता है, पहले हम यूजर आईडी जो हमें मिलेगी वहां से टोकन के थ्रू, यूजर एक आईडी मिलती है, यूजर आईडी को हम यहाँ पे जो यूजर यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी डॉट, इसको हम लोग टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे।
टू स्ट्रिंग, ओके यहाँ पे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसका जो दूसरा फंक्शन होता है यहाँ पे जो इसका दूसरा फंक्शन होता है वो सीक्रेट की होती है, तो हम लोग उस सीक्रेट की लेंगे लिथियम रू, हम ये सीक्रेट की हमारी है, यहाँ पे हमने सीक्रेट की दे दी है। यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर आ रहा है, इसके अंदर हमें देनी थी लिथियम सीक्रेट की, इसके अंदर देनी थी हमें, यहाँ पे लिथियम सीक्रेट की देनी थी। परफेक्ट, अभी हमारा हो चुका है। फिर हमें जो रिस्पॉन्स आएगा उसको सेट करेंगे हेडर में, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, जो हमें जो वैल्यू मिलती है वो लोअर केस में ही मिलती है, एक्स डॉट ऑथ डॉट टोकन, सॉरी हाइफन टोकन, फिर यहाँ पे हम टोकन देंगे उसको, टोकन जो हमने क्रिएट किया हुआ है। ओके फिर ये हमें, ये हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सेंड, इसको हम सेंड कर देंगे और उसका हम लोग स्टेटस को ट्रू कर देंगे, स्टेटस स्टेटस का हम लोग ट्रू कर देंगे। और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे, मैसेज में हमें जो देना होगा वो मैसेज में हम दे देंगे, जैसे टोकन को ही मैसेज में दे देंगे हम टोकन। ओके ये हमारा क्रिएट हो चुका है, देन हम परफॉर्म करेंगे गेट यूजर डेटा को, गेट यूजर डेटा को हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे हम उसका हैंडल क्रिएट करेंगे गेट यूजर, सॉरी हम लोग केमल का यूजर डेटा, यहाँ पे हम, ये भी असिंक होता है, फिर फैड एरो फंक्शन, देन यहाँ पे फिर मेन हम लोग लॉजिक लिखेंगे सिंपली। इस बार हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक का लॉग लॉग लिख देते हैं एरर, तो यहाँ पे ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे पहले हम लोग टोकन को, टोकन को एक्वायर करेंगे हेडर के थ्रू, लेट यहाँ पे हम टोकन लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर नहीं, हेडर्स रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, देन यहाँ से हमको जो एक्वायर होगी रिक्वेस्ट मीन्स एक्स ऑथ टोकन, एक्स ऑथ टोकन जो हमको रिक्वायर होगी यहाँ से वो हम लोग टोकन के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अगर इफ टोकन इज नॉट देयर टोकन देन सिंपली हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे, इस बार हम सॉरी स्टेटस कोड, स्टेटस को फॉल्स कर देंगे और MSG मैसेज में हम प्रिंट कराएंगे टोकन इज, सॉरी टोकन इज रिक्वायर्ड, सिंपली हम लोग प्रिंट कर देंगे या तो टोकन इज मस्ट। फिर हम इसको लेट्स डिकोड भी करेंगे, एक बार ये तो हमने टोकन जनरेट हो गया, फिर हम उस टोकन को लेके डिकोड भी करना पड़ेगा, वेरीफाई भी करना पड़ेगा, डिकोडेड टोकन इक्वल टू JWT, JWT डॉट वेरीफाई, फिर हमारा जो टोकन होगा टोकन, देन हमारा जो सीक्रेट की होगी वो लिथियम, आई थिंक मैंने ऊपर सीक्रेट की लिखी हुई है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी ये मेरा गलत हो गया, इसी को मैंने कॉपी कर लेता हूँ, हमारे सीक्रेट की को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, बार बार कौन लिखेगा यार। फिर अगर ये टोकन अगर इनवैलिड होता है मीन्स इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, टोकन इज इनवैलिड है यार, टोकन इज इनवैलिड। ओके यहाँ पे मेरा ये भी कंफर्म हो गया, देन हमें क्या करना है, यूजर आईडी के थ्रू कहाँ गया हमारा ये, या फिर हमें यहाँ पे परफॉर्म करना, लेट यूजर आईडी हमें जो पर पैरामीटर में से मिलेगी, परम्स में से यूजर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट जो हमें यूजर आईडी मिलेगी, यूजर आईडी या यूजर आईडी, फिर हमको उसको यूजर आईडी को लेके फाइंड करेंगे, फाइंड बाय आईडी के थ्रू, तो लेट यूजर डिटेल्स
फिर हमको अवेट फंक का यूज करना पड़ेगा, अवेट, क्योंकि ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये असिंक्रोनस टास्क है, दैट इज व्हाई। देन यूजर मॉडल डॉट फाइंड फाइंड बाय आईडी में हम यूजर आईडी को डालेंगे, या फिर हम इसे, अगर यूजर आईडी इज नॉट, तो हमको अगर हम यहाँ पे एक और भी कर सकते हैं, यूजर डिटेल जो है, अगर वो यूजर डिटेल इज नॉट प्रेजेंट, तो हम लोग सिंपली इसको एरर मैसेज थ्रो कर देंगे, मिस वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे नो सच यूजर एग्जिस्टेड बता देते हैं, नो सच यूजर एग्जिस्ट बता देते हैं सिंपली। फिर हम लोग को रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे, अगर यूजर प्रेजेंट होगा तो हमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना है, और स्टेटस स्टेटस को हमें ट्रू करना है, और अगर हमें कुछ मैसेज प्रिंट कराना है तो मैसेज भी हम प्रिंट करा देंगे, या तो डेटा डेटा डाल देंगे, डेटा में हमें जो हम डिटेल्स को लिखे हैं, यूजर यूजर डिटेल्स यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा देंगे, ओके। और यहाँ पे एरर के अंदर हम सिंपली सॉरी एरर के अंदर सिंपली हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आईडी इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पे हमारा ये टास्क भी परफॉर्म हो गया सक्सेसफुली। अब हम सिंपली चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पे, राउट इज नॉट डिफाइंड, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर हम अपडेट करेंगे उसको, अपडेट, तो कॉन्स डॉट अपडेट, कॉन्स डॉट अपडेट यूजर, अपडेट यूजर करेंगे, ओके। यहाँ पे हमने सिंपली गेट यूजर डेटा का हमने वो किया है, फिर यहाँ पे हमें अपडेट करना है, अपडेट यहाँ पे हमें अपडेट करना है, तो ये असिंक असिंक कॉल है, सॉरी असिंक कॉल है ये। फिर हम यहाँ पे फैड एरो फंक्शन का यूज करेंगे, एक्सपेक्ट डॉट रिस्पॉन्स, फिर देन एरो सिंपली यहाँ पे आए। फिर हमें यहाँ पे यूजर आईडी को पेरेंट्स के थ्रू फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। फिर हमें यूजर मॉडल फाइंड बाय आईडी से हमें करना है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है, यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, इसको हम लोग यूजर नाम दे देते हैं, सिंपली यूजर नाम दे देते हैं फाइंड बाय आईडी के थ्रू, यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, यूजर आईडी दे दिए हैं, यहाँ पे हमें यूजर में स्टोर हो जाएगा। अगर यूजर नहीं होगा तो हमें यहाँ पे ये एरर ये मैसेज को कॉपी करना है, यहाँ पे सिंपली सिंपली प्रिंट करना है, और इसको या नो सच यूजर एग्जिस्ट, ओके। फिर हमें एक यूजर डेटा का यूजर लेट सॉरी सॉरी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना है, यूजर डेटा का वेरिएबल क्रिएट किया हमने, फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू जो हमें डेटा मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू जो हमें डेटा मिलेगा, तो लेट अपडेट डेटेड डेटा, ये हमारा असिंक कॉल है, सॉरी असिंक अवेट करेंगे, इसमें हम अवेट इसके अंदर हम अवेट करेंगे, देन हमारा जो यूजर सॉरी देन यूजर यूजर मॉडल डॉट जो हमें फाइंड वन एंड अपडेट करेंगे, फाइंड वन एंड अपडेट सॉरी फाइंड वन एंड अपडेट, यहाँ पे फाइंड वन एंड अपडेट, इसमें हम पहले एक आईडी में हम आईडी, फिर हमें जो यूजर आईडी हमने फेच की है यूजर आईडी, ओके ये मैच करेगी, देन हमें सिंपली जो यूजर यूजर डेटा है जो हमने डेटा मंगाया था उसको प्रिंट करा देंगे, सेट कर देंगे। फिर सिंपली हमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड देन सॉरी देन हमें यहाँ पे स्टेटस स्टेटस जरूरी है, स्टेटस को हम ट्रू करेंगे, और डेटा को यहाँ पे जो ये लिखा है इसको सीधा कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये हमारा अपडेटेड डेटा का हो गया। अब हम डिलीटेड डेटा को परफॉर्म करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे कॉन्स डिलीटेड 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 स्कूल स्कूल डेटा का एक वेरिएबल क्रिएट किया, ये भी हमारा असिंक कॉल है, असिंक्रोनस टास्क होता है, एंड देन फैट एरो फंक्शन देन एरो, फिर यहाँ पे हमने
डिलीट कॉल करना है तो हमें एक यूजर आईडी एक्चुअली हम पहले से ही बना के रख चुके हैं, तो दैट इज वाई हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नो सच यूजर, यूजर फाइंड वन एंड अपडेट, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया यूजर आईडी, फिर यहाँ पे एक हमको जो हमारा की है को उसको सेट करेंगे, जो हमारा की है डॉलर डॉट सेट, यहाँ पे फिर हम किस में सेट करेंगे, इस डिलीटेड इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, या परफेक्ट फाइन अपडेटेड डेटा यूजर, इसकी कोई नीड नहीं है, हम सिंपली डिलीट कर देंगे, स्टेटस कोड भी हमारा फाइन है, एवरीथिंग इज फाइन, या तो ये हमारा, अब ये सब हमने क्रिएट कर लिया है, अब हम इसको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे इसको मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट यूजर इक्वल टू क्रिएट क्रिएट यूजर, ये हमारा फर्स्ट बन गया है। अब हमें तीन और बनानी है, कॉपी कर लिए, फिर यहाँ पे हम एक एक को पेस्ट कर देंगे, लॉग इन यूजर, यहाँ पे लॉग इन यूजर को पेस्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको लॉग इन यूजर, देन गेट यूजर डेटा को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, गेट यूजर डेटा को पेस्ट किए, देन अपडेट यूजर को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे डिलीटेड स्कूल डेटा को पेस्ट करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर दिए, या परफेक्टली फाइन, यहाँ से हम सबको एक्सपोर्ट कर दिए हैं, तो हमें इसको राउट में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो हम अपने राउट वाले फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पे राउट, अब राउट में हम वन बाय वन सबको इंपोर्ट करेंगे, ओके, हमें एक अपनी एपीआई को क्रिएट भी करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैलिडेट टोकन को जो हमने मिड लेवल डिफाइन किया है उसको भी इंपोर्ट करना होगा, तो कॉन्स वैलिडेट टोकन, देन रिक्वायर रिक्वायर करेंगे हम, जहाँ पे हमारा होगा डबल डॉट मिडलवेयर स्लैश ऑथ, ये हमने वैलिडेट टोकन को रिक्वायर कर लिया है, अब हमें हैंडलर को रिक्वायर करना है, तो कॉन्स्ट यूजर कंट्रोलर कंट्रोलर सॉरी डबल एल ई आर यूजर कंट्रोलर को रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर देन यहाँ पे रिक्वायर करेंगे यूजर कंट्रोलर हमारा है यूजर कंट्रोलर स्लैश यूजर कंट्रोलर, ये दोनों को हमने रिक्वायर कर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि ये परफेक्टली फाइन है कि नहीं है, तो राउटर डॉट गेट हम टेस्ट के लिए बना रहे हैं कि परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे टेस्ट सॉरी यहाँ पे टेस्ट दैट इज टेस्ट दैट्स ऑल, फिर यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पे फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक एयर फाइटर फंक्शन ही क्रिएट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे सॉरी सेंड करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे, जो भी लिखना हो वेलकम टू सॉरी प्रोग्रामिंग यात्रा, वेलकम टू प्रोग्रामिंग यात्रा, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने लिया है, दैट्स ऑल और कुछ नहीं, फिर हम यहाँ पे अपनी पोस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, फर्स्ट एपीआई हमारी पोस्ट एपीआई यूजर, फिर जो हमारा हैंडलर है यूजर कंट्रोलर डॉट क्रिएट क्रिएट यूजर, यहाँ पे हमारा एक बन चुका है, फिर हमें लॉगिन के लिए क्रिएट करना है, तो सिंपली इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये यूजर देन यहाँ पे हमें लॉगिन के लिए बनाना है लॉगिन सॉरी लॉगिन लॉगिन आई थिंक क्या था, वेट वेट आई विल लॉगिन यूजर कहाँ गया, लॉगिन यूजर हो गया हमारा, फिर यहाँ पे हमें जो हमने आईडी है ऑब्जेक्ट आईडी उसको भी तो भेजनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम पेरेंट्स के थ्रू भेजेंगे यूजर आईडी को हम पेरेंट्स के थ्रू भेजेंगे, यहाँ पे हमें टोकन भी अपना डिफाइन करना पड़ेगा, एक्चुअली ये सब में हम भेजेंगे तो यहाँ पे भी भेजेंगे, तो हम ये सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिए, फिर हमें यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक हमें मिडलवेयर भी डिफाइन करना पड़ेगा, हमें टोकन अगर सक्सेसफुल टोकन इज वैलिडेट तो वो हैंडलर पे जाएगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा, तो हमने यहाँ पे वैलिडेट टोकन डॉट वैलिडेट टोकन कॉमा, यहाँ पे हम वैलिडेशन मिडलवेयर को डिफाइन किए हैं,
तो मिडलवेयर इज नथिंग बट द एप रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ऑफ एपीआई और सिट बिटवीन द रिक्वेस्ट ऑफ एपीआई एंड अ हैंडलर जो कंट्रोलर होता है, या एक कॉल बैक फंक्शन बोल रहे आप। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी इसको पेस्ट करेंगे, कॉमा, सॉरी यूजर कंट्रोलर, यहाँ पे कॉमा, या कॉमा, ये तो हमारा ये भी परफॉर्म हो गया है। अब हमें राउट जो है ये एरर थ्रो कर रहा है कि राउट इज नॉट डिफाइंड। तो अभी हम वन बाय वन सब चेक करते हैं कि हमारा जो इंडेक्स फाइल है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इंडेक्स फाइल में हमें सभी को रिक्वायर भी तो करना पड़ेगा, तो हम रिक्वायर करेंगे। तो हम वन बाय इंडेक्स डॉट जेएस पेज पे आके हम पहले राउट को एक रिक्वायर करेंगे। हमने यहाँ पे राउट को रिक्वायर कर लिया है। देन यहाँ पे हमने एक्सप्रेस एप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन को जेसन ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में हमको जो डेटा मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट रहेगा, तो जेसन लिख दिए। फिर दैट इज यहाँ हमारा MongoDB इज कनेक्टेड, हमारा ऐप भी रनिंग हो रहा है सक्सेसफुली। यहाँ पे हमने हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, जो क्लस्टर का स्ट्रिंग है, ये रहा। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली ऑल द डेटा सब कुछ सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। फिर चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑलरेडी पहले से ही करके रखा है मैंने, तो हम वन बाय वन एक एक डेटा को स्टोर कराते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो हमारा ये यूजर, ये पोस्ट एपीआई है यूजर, देन यहाँ पे हम डेटा को स्टोर कराते हैं, हमने ये ऑलरेडी डेटा पुट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे डेटा डालते हैं, जैसे हमने नाम ने डाला श्रीकांत, तो श्रीकांत गुप्ता, इनका रेंडमली हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं, ये रेंडम नंबर है। यहाँ पे इनका नाम भी लिख देते हैं, श्री श्रीकांत एट द रेट वन, देन पासवर्ड 123 इज डिलीटेड फॉल्स कर देते हैं, और एज में 23 डाल देते हैं। अब हम हिट करते हैं एपीआई को, तो यहाँ पे श्रीकांत का जो डेटा है वो सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। अब हम इसमें लॉगिन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन के लिए हमें फर्स्ट यूजर नेम मीन्स ईमेल और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम ईमेल पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कॉपी, देन यहाँ पे हमें पासवर्ड सेम है। अगर हम पासवर्ड गलत डालते हैं, मान लो हमने पासवर्ड गलत डाला, यहाँ पे भी टोकन की भी जनरेट हो चुकी है एक, सॉरी ये तो ऑलरेडी पहले का है। यहाँ पे हमने पासवर्ड गलत डाला, तो सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी ये तो हमारा पोस्ट एपीआई है, आई थिंक कुछ कुछ एरर मैसेज शो कर रहा है, कैन नॉट पोस्ट लॉग इन, सॉरी आई थिंक आई हैव समथिंग डन रॉन्ग। यहाँ पे सबको मैंने पोस्ट पोस्ट किया तो है, लॉग इन लॉग इन परफेक्ट, सॉरी सब पोस्ट नहीं रहेगा, ये हमारा पुट रहेगा, यूजर वैलिडिटी, ये हमारा पुट, देन ये हमारा रहेगा डिलीट, ये हमारा डिलीट रहेगा। और यहाँ पे मैंने सब में क्रिएट, ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा, हमने चेंज ही नहीं किया है, तो हम इसको चेंज करते हैं। पहले हमारा जो हैंडलर है, यूजर कंट्रोलर है, यहाँ पे हम इस डिलीटेड स्कूल डेटा को हम राउट में जाके चेंज करेंगे। डिलीटेड डेटा ये हम पहले कट कर देते हैं, हाँ ठीक है, डिलीटेड डेटा। फिर हम जो अपडेट करेंगे, अपडेट वाले को भी अपने हैंडलर पे जाके ये हमारा अपडेट करने का है, ये कॉपी करते हैं इसको, फिर यहाँ पे राउट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये परफेक्टली फाइन है। यहाँ पे हमने पोस्ट पुट डिलीट डिलीट रिक्वेस्ट की है, ये सब परफेक्ट फाइन हुआ कर रहा है। चल हम इसको जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ लॉग इन है, यहाँ पे यूजर है, चलिए यहाँ पे हमें लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन, ओके, लॉग इन को फिर हम हिट करते हैं। देखो यूजर एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट दिखा रहा है, अगर हम इसको सही कर देते हैं, ओके, आई थिंक आई हैव सब एरर इनसाइड दिस, तो देखते हैं एरर क्या है। JWT इज नॉट डिफाइंड, ओके, JWT इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, यूजर कंट्रोलर 2115 में, यूजर कंट्रोलर 2115 में, ये 15, फाइंड वन यूजर यूजर कंट्रोलर, या टोकन JWT, JWT डॉट साइन, ओके, या परफेक्टली। जरा अगर हम इसको करके देखते हैं, ये हमारा टोकन ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, यहाँ पे हमारा टोकन जनरेट हो गया है। अब हम इसको टोकन को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करने के बाद हम इधर पे पेस्ट कर देते हैं, या पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। फिर अब हम यहाँ पे डिलीट
गेट का है, यूज करते हैं गेट। एक्चुअली हमें पहले यूजर आईडी का जो आईडी है, मींस ये यूजर की जो ऑब्जेक्ट आईडी है, इसको हम कॉपी करेंगे। फिर अगर हमें गेट करना है तो हम यहाँ पे इसको सीधे सिंपल सा पेस्ट करेंगे। और उससे पहले हमें जो हेडर में बॉडी होगी एक्स ऑथ टोकन में, हमें वहाँ पे उसका टोकन देना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे टोकन जनरेट किया है, इसको हम कॉपी करते हैं, अपने पोस्टमैन पे आते हैं, ये जो टोकन है इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा डिलीट करते हैं। देन यहाँ पे टोकन को हम पेस्ट कर देते हैं। सिंपली हमारा टोकन पेस्ट हो गया है। अब हम सिंपली इसको कॉल करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली गेट होता है कि नहीं होता है। आई थिंक गेट एरर सम शो कर रहा है, तो हम इसको देखते हैं कि क्यों एरर आ रहा है। एरर को देखने के लिए हमें पहले पोस्टमैन अपने कोड में जाना पड़ेगा, देन यूआरएल यूजर कंट्रोलर में राउट में जाना पड़ेगा। राउट में हमने, सॉरी यार, पुट एपीआई का यूज किया है, हमने गेट किया ही नहीं अभी तक, हमने यहाँ पे पुट एपीआई का यूज करते हैं। वैसे हमें पहले गेट करते हैं, गेट के लिए हमें इसको गेट यूजर्स, यूजर आईडी परफेक्ट, यूजर आईडी परफेक्ट, यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। उसका गेट हमारा यूजर कंट्रोलर में गेट कहाँ है, वेयर इज गेट यूजर डेटा कॉपी, राउट में जाके हम इसको सीधा पेस्ट करेंगे। या परफेक्टली पेस्ट हो गया है। ओके, आई थिंक सम एरर हैपन। हाँ, ये हमारा सक्सेसफुली पेस्ट हो गया है। अब हम इसको गेट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए श्रीकांत गुप्ता का पूरा डेटा शो हो रहा है, तो हमारा गेट एपीआई भी परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। अब हम इसको अपडेट करके देखते हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने फर्स्ट नेम में देव लिख दिया है, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट में भी हमें पहले वेलिडेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर उसका हेडर एक्स अगर उसका हेडर टोकन इक्वली फाइन होता है, मीन्स करेक्ट होता है, तो ही उसको अपडेट कर पाएगा, अदरवाइज वो थ्रो एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम में देव करते हैं, तो देव को यहाँ देव करते हैं, देन प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देखिए देव हो चुका है, फर्स्ट नेम उसका देव हो चुका है। सॉरी, यहाँ पे हमें पहले उसका ये पेस्ट करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे पहले हमें उसके ऑब्जेक्ट आईडी जो होगी देव की, श्रीकांत की ऑब्जेक्ट आईडी ये रही, ऑब्जेक्ट आईडी को हमें पहले कॉपी करना पड़ेगा। ये कॉपी, सॉरी, ये पहले पूरा कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद हमें जो हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ये देव देव को अपडेट करना चाहते हैं हम, तो अपडेट करते हैं इसको। यहाँ पे श्रीकांत तो यहाँ पे दे रहा है, बट लेकिन वो यहाँ पे क्लस्टर में अपडेट हो चुका है। हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा यूजर है, यहाँ पे देखिए श्रीकांत का देखिए एड्रेस नेम फर्स्ट नेम देव हो चुका है, तो ये भी हमारा परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। अब हम अपने पोस्टमैन पे चलते हैं और डिलीट करके देखते हैं, इज डिलीटेड टू करके देखते हैं। यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट आईडी को पेस्ट करते हैं, और इसमें भी हमें हेडर सेट करना पड़ेगा। ये टोकन जो है वो टोकन को सही करना पड़ेगा, वेयर इज टोकन, टोकन इज हियर, टोकन को हमें पहले सही करना पड़ेगा। टोकन यहाँ पे सिंपली मैंने टोकन को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम डिलीट करके देखते हैं उसका इज डिलीटेड ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है लेकिन वो ट्रू हो चुका है। अब हम अपने क्लस्टर में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। या यहाँ पे देखिए ट्रू हो चुका है, मीन्स हमारा जो हमने जो एपीआई क्रिएट की है परफेक्टली फाइन वर्क कर रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब।